आगरा में राह चलती एक लड़की के साथ जो हुआ उस पर क्या कहेंगे आप? माना रात का अंधेरा था, लेकिन आसपास गाड़ियां चल रही थी। वो लड़की अपनी स्कूटी से चली जा रही थी और हुआ क्या, हैवानों की टोली ने बाइक पर सवार होकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया, फिर स्कूटी पर पैर लगाकर उसे गिराने तक की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी इन जानवरों को न रोका न टोका। तस्वीरें जब मीडिया में आती हैं तब पुलिस अलर्ट होती है। आरोपी भले ही पकड़े गए, लेकिन क्या गुनहगार सिर्फ यही लोग थे? क्या चुपचाप ऐसी वारदातों को नजरअंदाज कर देने वाला समाज अपने आप को कटघरे में खड़ा होने से बचा सकता है? माना कि रोजी रोटी की मजबूरी में हम बेबस हो गए हैं, हम व्यस्त हैं और हम कुछ और देखना ही नहीं चाहते, हम गुंडे लफंगों से उलझना नहीं चाहते, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि कल को ये लड़कियां हमारे घर की भी हो सकती हैं? हम ये क्यों नहीं सोचते एक बार कि क्या हम खुद को उस जगह रख के देखें, हमारे घर की बेटी बहू अगर ऐसी स्थिति में पड़ती हैं, इन हैवानों के सामने होती हैं, और तब भी समाज मौन रहेगा तो हम क्या करेंगे? और अब जरा कानून की सख्ती का हाल भी जान लीजिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश में महिलाओं के खिलाफ अलग अलग वारदातों में कन्विक्शन रेट सिर्फ 2.56% थे, जबकि रेप या रेप की कोशिश के मामले में कन्विक्शन रेट सिर्फ 0.92% है। आंकड़ों पर गौर फरमाइए। 2012 से लेकर 2018 तक 12,000 से ज्यादा नाबालिगों से दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ, यानी हर दिन 5 मामले। दुष्कर्म के मामलों के अलावा 2012 से 18 के बीच 10,052 नाबालिगों पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से जुड़े केस दर्ज किए गए हैं। वहीं 2000 से 2018 तक 2,328 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। अब देखिए 2018 में 186 अपराधियों को फांसी की सजा दी गई, जिसमें से 65 की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। 2004 में धनंजय चटर्जी को 1990 के बलात्कार के मामले में फांसी दी गई थी, और उसके बाद निर्भया कांड के दोषियों को फांसी दी गई थी। यानी पिछले 2 दशक में सिर्फ 5 दोषी ही हैं जिनको फांसी की सजा मिल सकी, बाकियों को नहीं। और शायद यही वजह है कि अभी भी हम रेप के दुष्कर्म के मामलों को उतनी गंभीरता से नहीं लेते कि फांसी को मैंडेटरी किया जाए। और अभी हाल ही में 32 साल पुराने अजमेर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में भी जिला अदालत ने 6 लोगों को दोषी मानकर उम्र कैद की सजा सुनाई है। सोचिए 32 साल लग गए सिर्फ जिला अदालत में, और अभी तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मामले का जाना बाकी है। तब तक अजमेर कांड की पीड़ित बेटियां न्याय का इंतजार करेंगी, और क्या पता तब तक न्याय देखने के लिए वो बेटियां जिंदा होंगी भी या नहीं। और ये इंतजार ही तो है जो बेटियों को डरा रहा है और अपराधियों को बेखौफ बना रहा है।